सो गाइज वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरी वन। सो गाइज इस वीडियो में फिर से मैं आपके लिए कुछ मूवी के सबटाइटल्स लेके आया हूँ जिनकी वजह से आपको इंग्लिश भाषा इंप्रूव करने में सहायता मिलेगी, क्योंकि दोस्तों इंग्लिश भाषा इंप्रूव करने का एक बेहतरीन तरीका है मूवी के सबटाइटल्स। जी हाँ दोस्तों, आप कम समय में इंग्लिश भाषा को इंप्रूव कर सकते हो, इंग्लिश बोलना सीख सकते हो, क्योंकि इसमें आपको नए नए वर्ड्स देखने को मिलते हैं और सेंटेंस फॉर्मेटिंग का भी आपको पता चलता है। सारी जानकारी आपको मूवी के सबटाइटल्स में मिल जाती है, क्योंकि एक मूवी बनती है तो वो सारा शुरू से लेके एंड तक जो भी उसमें जो भी चीज़ें होती है तो उनको एक्सप्लेन उसी हिसाब से अपनी डेली लाइफ रूटीन के हिसाब से ही किया जाता है, तो एक बेहतरीन तरीका है। तो मैंने आपका समय ज़्यादा ले लिया, तो बिना समय गवाए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला सेंटेंस देख ले दोस्तों, मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मुझे तुमसे मिलने का मौका मिला। आई एम वेरी फॉर्चुनेट टू हैव गॉट अ चांस टू मीट यू। फॉर्चुनेट का मतलब होता है भाग्यशाली, और दुर्भाग्यशाली का मतलब होता है अनफॉर्चुनेट का मतलब होता है दुर्भाग्यशाली। सो मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मुझे तुमसे मिलने का मौका मिला है। आई एम वेरी फॉर्चुनेट टू हैव गॉट अ चांस टू मीट यू। सो अगला संडे देख ले दोस्तों, ऐसा ही कुछ एक बार मेरे साथ भी हुआ था। द सेम काइंड ऑफ थिंग हैपेंड टू मी वंस। सो इसको इंग्लिश में अगर अलग एक्सेंट के साथ बोलते हैं, जैसे अमेरिकन के साथ, तो कैसे बोलते हैं इसको? टू सेम काइंड ऑफ थिंग हैपेंड टू मी वंस। सो अगला संडे देख ले दोस्तों, मैंने उसे अपनी आंखों से मेरे भाई को मारते देखा। आई सॉ हिम किल माई ब्रदर विथ माई ओन आइज। सो इसको अगर ऑस्ट्रेलिया के एक्सेंट्स में बोल लेते हैं तो कैसे बोलते हैं? I saw him kill my brother with my own eyes. सो अगला वाला संडे देख ले दोस्तों, मेरे भाई को मेरी आंखों के सामने मार दिया गया। माई ब्रदर वॉज किल्ड इट राइट इन फ्रंट ऑफ माई आइज। सो अगला वाला संडे देख ले दोस्तों, लेकिन मैं बहुत डर गई थी। आई गॉट सो स्केर्ड। सो जो भी नए नए वर्ड्स आपको इसमें देखने को मिल रहे हैं उनको नोट डाउन करके उन पर कुछ सेंटेंस बनाए, ताकि वो वर्ड्स आपको इन फ्यूचर याद रहें। सो अगला वाला संडे देख ले दोस्तों, मैं तुम्हारे दर्द को समझ सकती हूँ। इसने जैसे ही बोला ना कि मेरे भाई को मेरे सामने मार दिया गया था, तो ये कह रही कि मैं आपका दर्द समझ सकती हूँ। आई कैन फील योर पैन। सो अगला वाला सेंटेंस देख ले दोस्तों, ये कोई ट्रैक्टर गुजर रहा है तो उसका साउंड अभी आपको आएगा, तो दो मिनट रुक ही जाता हूँ मैं, इसको जाने देता हूँ। ठीक है, ये चला गया। ठीक है, अपन वापस आते हैं अपने सेंटेंस की तरफ। अब इस बारे में ज़्यादा मत सोचो। डोंट थिंक टू मच अबाउट इट नाउ। डोंट थिंक टू मच अबाउट इट नाउ। सो अब इस बारे में ज़्यादा मत सोचो। सो अगला वाला सेंटेंस देख ले दोस्तों, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो तुम्हें पसंद नहीं करता। क्या सेंटेंस आया है यार। आप भी किसी को कहना चाहते हो, आपके दोस्त को, कि मुझे लगता है यार वो तुम्हें पसंद नहीं करती, तो आप इंग्लिश में उसको कह सकते हैं, आई हैव फीलिंग दैट सी डजेंट लाइक यू। सी लगा सकते हो, क्योंकि आप लड़की के बारे में बात करोगे कि वो लड़की तुम्हें पसंद नहीं करती है, तो आपको सी लगाना होगा। इसमें ही लगा है, तो ये किसी लड़की को कह रही है कि मुझे लगता है कि तुम्हें वो पसंद नहीं करता है। इसका बॉयफ्रेंड के बारे में बात करिए, बॉयफ्रेंड के बारे में, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो तुम्हें पसंद नहीं करता। आई हैव फीलिंग दैट ही डजेंट लाइक यू। सो अगला वाला सेंटेंस देख ले दोस्तों, मैं अपनी घड़ी की मरम्मत करवाने जा रही हूँ। आई एम गोइंग टू हैव माई वॉच रिपेयर्ड। मैं अपनी घड़ी की मरम्मत करवाने जा रही हूँ। इसमें घड़ी भी दिया हुआ है, तो आप कुछ भी कह सकते हो। मैं अपनी कार की मरम्मत करवाने जा रहा हूँ, तो आप कह सकते हैं कि आई एम गोइंग टू हैव माई कार रिपेयर्ड। सो ऐसे आप कहीं भी सेंटेंस बना सकते हो। सो अगला वाला सेंटेंस देख ले दोस्तों, मैंने अपनी घड़ी की मरम्मत करवाई थी, लेकिन ये फिर से टूट गई है। आई हैड माई वॉच रिपेयर्ड बट इट ब्रॉक अगेन। इसमें आप वापस से कार का यूज़ कर सकते हो कि मैंने अपनी, अरे भाई इस बार टेम्पो है चला जा रहा है। ठीक है, मैंने अपनी घड़ी की, इसमें आप कह सकते हो कि मैंने अपनी कार की मरम्मत करवाई थी, लेकिन ये फिर से टूट गई है। आई हैड माई कार रिपेयर्ड बट इट ब्रॉक अगेन। ख़राब हो गई है, ये भी कह सकते हो आप। सो अगला वाला सेंटेंस देख ले दोस्तों, मैंने उस घर को खरीदने का विचार छोड़ दिया है। सो इसमें एक नया वर्ड यूज़ में आया है, अबेंडेड। अबेंडेड का मतलब होता है छोड़ दिया या त्याग दिया, तो ये भी काफ़ी जगह यूज़ होता है, तो आप नोट डाउन कर सकते हो। मैंने उस घर को खरीदने का विचार छोड़ दिया।
आई हैव अबेंडेड द आइडिया ऑफ बाइंग दैट हाउस. सो आप इसमें सेंटेंस बना सकते हो कि उसके माता पिता ने उसको छोड़ दिया. सो आप हिज पेरेंट्स अबेंडेड हिम. सो अगला सेंटेंस देख लिया दोस्तों. अब वो घर नहीं खरीद रही हूँ. आई एम नॉट बाइंग दैट हाउस नाउ. सो अगला सेंटेंस देख लिया दोस्तों. आपने मुझे जो करने के लिए कहा था मैंने वह सब कुछ किया. आई हैव डन एवरी थिंग यू आस्क्ड मी टू डू. आई हैव डन. सो आप इसमें अलग से सेंटेंस बना सकते हो, यानी कह सकते हो मैंने सब कुछ किया. आई हैव डन एवरी थिंग. सो अगला बार सेंटेंस देखते हो दोस्तों. कम से कम अब तो मुझे चैन से जीने दो. ये कह रहा है कि मैंने सब कुछ किया जो आपने कहा था, अब तो मेरे को चैन से जीने दो यार. नाउ एट लीस्ट लेट मी लिव इन पीस. सो पीस एंड शांति शांति. सो अगला वाला सेंटेंस देख लो सेंटेंस की तरफ. अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम क्या करोगे. वट वुड यू डू इफ समथिंग हैपन टू मी. वट वुड यू डू इफ समथिंग हैपन टू मी. सो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही. आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया है. अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को जरूर से लाइक करें, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें. तो मिलते हैं हमारे अगले वाले वीडियो में. तब तक के लिए बाय. टेक केयर. कीप स्माइलिंग. कीप लर्निंग.